अब बात आती है कि भाई इंस्ट्रक्शन सेट है क्या। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है ओपकोड और दूसरी चीज है ऑपरेंड। सर, पहली चीज क्या थी? ओपकोड या ओपी कोड, तो ये सर, कोड व्हाट इज होते द हैं। पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट? इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना वो कैरी आउट करने के लिए। मतलब ये कि जो हमें हमारे पास जैसे ऑपरेशंस हैं, हमारे पास मुझे एडिशन करनी है, तो ये ऑपरेशन है। जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन करूंगा उसको कहते हैं ऑपरेंड। और ये ओपी कोड होता है, ये इस एडिशन को कहेंगे हम क्या, ओप कोड या ओपी कोड। ओके इंस्ट्रक्शन सेट का जो बेसिकली काम होता है वो यही होता है कि वो अंडरस्टैंड करता है जितने भी ऑपरेशन होते हैं। जैसे मुझे कोई चीज सर्च करनी है तो ये एक ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी ये एक ऑपरेशन है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, और जिसके ऊपर करना होता है उसके ऊपर लेके जाके उधर कैरी आउट करवाता है ऑपरेशन। इस तरह ओपी कोड क्या होता है, ये कोड होता है जिसके थ्रू एड्रेस करते हैं हम कोई भी ऑपरेशन को। इट इज अ कोड विच एड्रेस एड्रेस का मतलब यहां पर है कॉल करना। एड्रेस दी टाइप ऑफ ऑपरेशन। सेकेंडली ओपी कोड हमारे पास क्या करता है, ये हमारे ऑपरेशन को चेक करता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। चेक्स व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी डन। सर हाँ कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट सर कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट वंस अगेन ये वाला जी सर। एड्रेस करने का मतलब होता है कॉल करना। इसका क्या मतलब है, जैसे मुझे अगर प्लस करना है तो ये मैं इसको एड्रेस कैसे करूंगा, दो नंबर को प्लस करने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ये कौन करेगा, ओपकोड। ये कोड्स होते हैं, छोटे छोटे कोड्स होते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अलग कोड होंगे, लो लेवल लैंग्वेज में अलग कोड्स होंगे, जो कि यूज होते हैं इस ऑपरेशन को करवाने के, ये एग्जीक्यूशन करवा। ठीक ओके है, ये चेक करते हैं व्हाट ऑपरेशंस आर नीड टू बी डन। या अगर इसको मैं दूसरे लफ्जों में बोलूं तो इसका क्या मतलब होगा कि व्हाट ऑपरेशन सीपीयू हैज टू परफॉर्म, सीपीयू को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सही है। अच्छा ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर सारी ये ओप कोड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये मेमोरी रेफर करता है इसको, मेमोरी की लोकेशन को। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इन दो नंबर्स के ऊपर ये ऊप कोड लगाया मैंने, या जो कोड है ये मैंने लगाया, तो ये दोनों नंबर्स मेरे पास क्या है, ऑपरेंड है। सही है। सर अच्छा तो ये एग्जाम्पल अपने पास लिख लो। ठीक इसके अंदर ये दो चीजें क्या है, ऑपरेंड और ये क्या है, उपकोड। एक और एग्जाम्पल है इसकी, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि ओनली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इसके अंदर ये क्या है हमारे पास, एल डी, ये कमांड है, इसको कहते हैं ओपकोड। और फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मुझे इस चीज के ऊपर ये कमांड लोड करनी है तो ये क्या है मेरे पास, ऑपरेंड। सही है, ये एग्जाम्पल। ओके सर।
अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो थोड़ी बहुत समझ आएगी वो ये है। ये मेरे पास क्या है? ऑपरेंड। ये मेरे पास क्या है? हुक कोड। जिस चीज के ऊपर कोड वर्क करेगा वो क्या होता है? हमारा ऑपरेंड। कोड क्या होगा? इनपुट आउटपुट एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब। अच्छा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है? एम्बेडेड सिस्टम। Sure, what do you mean by the word embedded? एम्बेडेड का मतलब होता है कि पहले से अंदर फिक्स हुआ हो। Okay, sir. जो अंदर पहले से चिप्स हमारी लगी भी होती है ना, जैसे मदरबोर्ड आता है, मदरबोर्ड के अंदर चिप्स पहले से लगी भी होती है, माइक्रो चिप्स, उसको कहते हैं एम्बेडेड। Okay, sir. एम्बेडेड सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कैरीज आउट स्पेसिफिक टास्क। कोई सा भी स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक टास्क करवाना है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर एक सिलेंडर टाइप चीज जहां पे हम कपड़े डालते हैं, वो क्या करता है? वो रोटेट करता है, घूमता है पूरे उसके अंदर। तो ये जो रोटेशन है ये हम किसके थ्रू करवा रहे हैं? ये हम करवा रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू। Okay, sir, can you explain the point that you have written above again? अच्छा एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो सॉफ्टवेयर है Yes, sir. इस वॉशिंग मशीन के अंदर कहीं पे अंदर एक चिप लगी भी होगी या मोटर लगी भी होगी। सही है। ये जो चिप लगी भी होगी ये क्या होती है? ये हार्डवेयर होगी। हार्ड होती है ना, इसको हम छू सकते हैं। जिस चीज को छू सकते हो हार्डवेयर होता है। जो माइक्रो चिप्स होती है उसको हम हाथ लगा सकते हैं, Yes, उसको sir. सेंस कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हो गया। अब लेकिन जो उस जो प्रोग्राम हमने किया हुआ होगा इसके अंदर, रोटेशन कर रहे हैं ना ऊपर, तो रोटेशन की प्रोग्रामिंग हमने किसके अंदर सेव की हुई है? इस चिप के अंदर। इस चिप के अंदर हमने क्या किया हुआ है? सेव की हुई है प्रोग्राम। क्या चीज की प्रोग्रामिंग? रोटेशन की प्रोग्राम, कि कितनी दफा ये वॉशिंग मशीन का सिलेंडर रोटेट करेगा और किस स्पीड पर रोटेट करेगा। ये प्रोग्राम जिस चीज के अंदर सेव किया होगा वो क्या होगी? एक माइक्रोचिप। ये माइक्रोचिप खुद क्या होगी? हार्डवेयर। प्रोग्राम हमने जो सेव किया है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। सही है। तो ये ओके सर, कॉम्बिनेशन हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का जो कि सिर्फ एक टास्क को कैरी आउट करे, वो क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम। अच्छा एम्बेडेड सिस्टम की टाइप्स होती है। सबसे पहली टाइप जो एम्बेडेड सिस्टम की होगी वो होती है माइक्रो प्रोसेसर। ये किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर लगी भी होती है, इसको हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? इसके अंदर एक सीपीयू होगा और उस सीपीयू के अंदर जो है ना कोई रैम नहीं होगी, कोई रोम नहीं होगी, बस एक सीपीयू लगा हुआ होगा इसके अंदर। ओके सर, ये सीपीयू क्या करेगा? ये सिर्फ टास्क जो कोई सा भी एक टास्क को मैनेज करेगा। तो फिर आते हैं हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर नाम में ही सब है। इसके अंदर क्या कि सीपीयू होगा इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए, प्लस इसके अंदर रैम होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे? अपना डाटा सेव करेंगे टेम्परेरीली, और इसके अंदर रॉम होगा। ये तीन चीजें होंगी इसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अब जैसे ये मैंने जो वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है? माइक्रो कंट्रोलर। सही है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सीपीयू है जो सारी चीजों को देखेगा और मैनेज करेगा। फिर इसके अंदर रैम है। रैम क्या चीज होगा? रैम हमारा सेव करेगा, जो ऊपर एक नॉब नहीं लगा हुआ होता, यस सर, उस नॉब से हम क्या करते हैं? सारी चीजों को मैनेज करते हैं, स्पीड को मैनेज करेंगे, स्पीड डायल होता है, वो सब कौन, जो चीज चेंज होने वाली होगी वो कौन अपने पास स्टोर करेगा? रैम। रोम क्या स्टोर करेगा? वो प्रोग्राम स्टोर करेगा। क्या चीज का? रोटेशन का प्रोग्राम अपने अंदर स्टोर करेगा रोम। ठीक है। फिर
तो ये माइक्रो कंट्रोलर हो गया। अच्छा एक और टाइप की चिप होती है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं एसओसी चिप। एसओसी चिप का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम ऑन चिप। इस चिप के अंदर क्या होगा, इस चिप के अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज होगा। माइक्रो कंट्रोलर खुद क्या है, सीपीयू रैम प्लस रोम, ठीक है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर एसओसी चिप्स के अंदर हम यूज करते हैं एज अ कॉम्पोनेंट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर ही होगा। अब एसओसी चिप के अंदर क्या होगा, मदरबोर्ड भी हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी होगा, लेकिन इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लाजमी होगा, लेकिन एज अ कॉम्पोनेंट। यस सर। अच्छा अब आते हैं हम के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर होते हैं ना, सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, यूजर इंटरफेस। इसको हार्डवेयर भी कंसिडर किया जा सकता है और इसको सॉफ्टवेयर भी कंसिडर किया जा सकता है। वो क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर क्या होगा, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो है ये खुद होगा, क्योंकि जो हार्डवेयर इसके अंदर होगा क्या होगा, स्क्रीन। क्यों, क्योंकि हम इसको टच करेंगे तभी हम इससे इंटरेक्ट कर सकेंगे। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, सबसे पहला यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस हमारे पास क्या करेगा, ये हमें इंटरेक्ट कराएगा किससे, कंप्यूटर के साथ। तो ये एक हार्डवेयर के तौर पे भी यूज हो सकता है और ये एक सॉफ्टवेयर के तौर पे भी यूज हो सकता है। वो कैसे, सॉफ्टवेयर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज होगा, स्क्रीन, जो कि हमें इंटरेक्ट करने में क्या करेगी, मदद करेगी। सेकेंड हमारे पास जो यूज होगा वो होगा कोई स्क्रीन या कोई सीपीयू मॉनिटर, सर डिस्प्ले। हाँ डिस्प्ले, जो कि हमें क्या देगी, आउटपुट प्रोवाइड करेगी, सही है। या फिर इसके अंदर एक और चीज यूज हो सकती है और वो क्या है, वो है एक्चुएटर। एक्चुएटर एक टाइप की मोटर होती है जो कि किसी भी चीज को रोटेट करने के या कोई सा भी मैकेनिकल मूविंग मोशन वाला काम करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन वाली एग्जाम्पल के अंदर मैंने भी क्या बताया था कि जो उसका सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वो घूम रहा होता है, तो वो घुमाने के लिए पीछे क्या यूज होती है, मोटर बेल्ट यूज होती है। ओके सर। वो एक्चुएटर के थ्रू टर्न हो रही होती है। नंबर थ्री पे हमारे पास क्या चीज है, डिजिटल इनपुट। ये भी क्या है, कॉम्पोनेंट है। इसके अंदर हमारे पास क्या यूज होगा, कोई मॉनिटर यूज होगा या स्क्रीन यूज होगी। चौथी चीज हमारे पास क्या आती है, अब सेंसर्स। सर देयर आर मेनी सेंसर्स राइट, या देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स क्या करता है, ये सेंस करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होगी, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होगी, सही है। तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ये क्या करेगा, फीडबैक्स लेगा, इनपुट लेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था हमारा एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम की कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है या एग्जाम्पल्स बोल लो, एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सबसे पहली एप्लीकेशन एम्बेडेड सिस्टम की हमारे पास क्या है, मोटर व्हीकल। यानी कार्स, ट्रेन, ये सारी चीजें। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज होगा, सेंसर्स यूज होते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो है कंट्रोलिंग के लिए जीपीएस सिस्टम वगैरह यूज होता है, जो कि इससे एम्बेडेड सिस्टम से चलता है। फिर ऑटोमेटेड ड्राइविंग का जो आजकल सिस्टम आया है, वो भी किसके अंदर होगा, इसी के अंदर। सेकंड चीज जो है वो क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, बर्गलर अलार्म सिस्टम।
बर्गलर जो है ये थीफ को बोलते हैं। ओके सर, जो बर्गलर अलार्म सिस्टम होता है हमारे पास, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है जब भी एक सेंसर यूज होता है उस सेंसर को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ना, ये सराउंडिंग को सेंस करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि सराउंडिंग को फील करना, ये मेरा सेंसर लगा हुआ है। अगर मैं इसका इधर खड़ा हुआ 5 5 मीटर की रेंज में, तो ये मुझे क्या करेगा, सेंस करेगा मेरी प्रेजेंस को। जो चीज सेंस करेगी वो क्या होगी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। या किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी चीज की मूविंग ऑब्जेक्ट को जो सेंस करेगा ना, वो क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। Yes, जब मैं sir. If you will be far from the sensor, then it will not detect you. क्यों, क्योंकि इसकी क्या होगी, एक रेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसकी रेंज। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये रेंज मुझे मुझ तक नहीं पहुंच रही, तो ये क्या होगा, ये मुझे सेंस नहीं करेगा। sir. तो आजकल सोलर लाइट्स का जो सिस्टम निकला है, जो गार्डन्स वगैरह में लगती हैं, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करती हैं। इसी तरह बर्गलर अलार्म सिस्टम होगा, ये क्या होता है, ये भी यूज करता है किसको, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को। इसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम यूज होगा जिसके अंदर साउंड सेंसर भी लगा हुआ होगा। अगर कोई चीज टूटेगी तो ये बर्गलर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास वॉशिंग मशीन। उसकी मैंने पूरी अभी एग्जांपल समझा दी थी। नंबर फोर्थ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है वेंडिंग मशीन की एग्जांपल। वेंडिंग मशीन पाकिस्तान में तो बहुत कम है, बाहर के मुल्कों में ज्यादा है। ये क्या होती है, ये एक मशीन होती है जो, फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, तो रोड साइड पे एक मशीन लगी हुई होगी जो कि एटीएम की तरह काम करेगी। लेकिन फर्क क्या होगा, इस मशीन के अंदर चीजें रखी हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ये मशीन है, ये सॉफ्ट ड्रिंक मशीन है। तो जब हम इधर से इसके अंदर मनी डालेंगे या पैसे डालेंगे, तो ये इधर से हमें आउटपुट देगी। और जब ये पैसे इसके अंदर जाएंगे, तो इसके पीछे कोई चिप लगी हुई होगी या कोई सिस्टम हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, जो कि सेंस करेगा कि भाई मनी आया है। और उस अमाउंट ऑफ मनी को वो सेंस करने के बाद, उसी अमाउंट ऑफ मनी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें इधर से प्रोवाइड कर देगा बाहर। ये क्या है, हमारी वेंडिंग मशीन। नंबर फिफ्थ पे हमारे पास जो चीज आती है वो है सेटअप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स हमारा क्या करेगा, इसके अंदर एक कंट्रोलर यूज होगा, एक इंटरफेस होगा जिधर से जो ह्यूमन है वो क्या करेंगे, आपस में बातचीत कर सकेंगे। ये नॉर्मली टीवी रिमोट्स होते हैं ना, ये उस टाइप की चीज होगी कोई। इसके अंदर इंटरफेस भी होगा, इसके अंदर रैम भी होगी, इसके अंदर रोम भी होगी, और इनके अंदर जो सिग्नल्स के लिए हमारे पास सेंसर वगैरह भी लगे हुए होंगे जो कि इनपुट वगैरह सेंस करें। यहाँ ये सारा था हमारा एम्बेडेड सिस्टम। यस सही है, तो यहां तक तो समझ आया। यस सर। ठीक है।